हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप लोग बता दूं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी सऊदी अरेबिया पे, उस वीडियो पे इतना सारा प्यार मिला आप लोग का। 25,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखे और कई लोगों ने बेसिकली उसी वीडियो पे कमेंट किया कि भाई आपने जितने भी जॉब्स बताए हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद सऊदी अरेबिया में कर सकते हो वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें थोड़ा सा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बताया था इसके ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाओ, कितना सैलरी मिल जाता है या डाटा एंट्री ऑपरेटर, कौन कौन सी हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है अभी के टाइम पे। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली इसका डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है जो कि डिप्लोमा इन डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि DEO होता है, और कई लोगों ने बेसिकली फ्रेशर के तौर पे ये काम सीखा भी हुआ है, तो इसमें ज्यादा कुछ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आपको MS Excel या फिर टाइपिंग आती है तो आराम से ये काम कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर भी हो फिर आपको कितनी सैलरी मिल जाती है, अगर आपको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर आप कितना तक अर्न कर सकते हो, सारी चीजें मैं शेयर कर देता हूँ। पहले कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको शेयर कर देता हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बताने से पहले मैं आपको बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है उसमें और भी कई सारे जॉब्स बताए हैं जो कि आप 10th और 12th के बाद सऊदी अरेबिया में कर सकते हो, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी जाके देखना, ठीक है। तो अभी रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें पहला है आपका डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ता है 1 से 2 ईयर का कम से डाटा एंट्री में, 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेना तभी जॉब के लिए अप्लाई करना। फ्रेशर पे लग जाओ कि सैलरी कम मिलेगी और जॉब नहीं मिलती है वैसे फ्रेशर पे, तो ये ध्यान देना, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत कहीं के लिए भी मेडिकल काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, तो मेडिकल पर काफ़ी ध्यान देना। आपका क्वालिफिकेशन कॉपी, जितनी पढ़ाई की आपने, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। थर्ड है आपका पुलिस सर्टिफिकेट जिसको क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉपी कहते हैं। फोर्थ है आप लोग का वैलिड पासपोर्ट की कॉपी, आपका हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस, आपका देखो लीगली जो एज होता है वो 18 एबव होता है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आप तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कुछ खास नहीं है। सैलरी की अगर बात करें तो इसकी ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है वो 3,200 SAR से लेकर के लगभग 5,500 तक मिलता है, डिपेंड करता है जॉब लोकेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो हैव एन एज, कोई डाउट कमेंट करो। बाय बाय, गुड नाइट।